हेलो दोस्तों, क्या आप भी हॉरर स्टोरी वीडियोस को क्रिएट करना चाहते हो? जैसे कि गहरी रात का समय आया था और एक बंगला अकेला खड़ा था जिसके चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। वहां की चपेट में खोए हुए एक साया ने वहां के दीवारों को अपने चुपके से गूंथ लिया था। एक कमरा जिसमें एक पुरानी कांपती लाल बत्ती सिर्फ हवा को उड़ा रही थी, वहां से अजीब आवाजें आ रही थी जैसे किसी अत्याचारित आत्मा की चीखें हों। तो गाइस, देखा आपने कि किस तरीके से मैंने सिर्फ एआई की मदद से इस हॉरर स्टोरी वीडियोस को क्रिएट किया है। आप लोग भी इस टाइप की वीडियोस को क्रिएट कर सकते हो एंड उसे आप लोग यूट्यूब पर अपलोड करके बहुत सारे लाखों रुपए कमा सकते हो। इस टाइप की हॉरर स्टोरी वीडियोस पर आप लोग देख सकते हो लाखों मिलियन में व्यूज आते हैं। इस तरीके से आप जो यूट्यूब पर हॉरर स्टोरी वीडियोस डालकर यूट्यूब से लाखों रुपए कमा सकते हो। एंड गाइस, ये कोई झूठ बात नहीं है, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूं। आप लोग देख सकते हैं यहां पर बहुत सारे चैनल हैं जिनका चैनल मोनेटाइज है और इस टाइप की वीडियो पर आप लोग देख सकते हो व्यूज बहुत ही खतरनाक आते हैं। इस टाइप की वीडियो आप लोग भी क्रिएट कर सकते हो। एंड गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको फुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है इस टाइप की हॉरर स्टोरी वीडियोस को क्रिएट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर हमें हॉरर स्टोरी चाहिए, वो कहाँ से मिलेगी? वो आपको चैट जीपीटी से मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है चैट जीपीटी, ठीक है। यहाँ पर आपको सबसे पहले वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर आपने साइनअप नहीं किया तो साइनअप कर लीजिए। मैं लॉगिन कर लेता हूँ क्योंकि मैंने इस पर ऑलरेडी साइनअप किया हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हॉरर स्टोरी वीडियोस को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें एक स्टोरी चाहिए होगा। स्टोरी आप लोग चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। कैसे लिखवाना वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको स्टोरी का टाइटल पता है कि इस टाइप की आपको हॉरर स्टोरी चाहिए, तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हो राइट अ हॉरर स्टोरी ऑन दिस टॉपिक, ठीक है, ऐसा आप लोग लिख सकते हो। अगर आपको टॉपिक भी नहीं पता तो इसके लिए यहाँ पर आपको चैट जीपीटी पे लिखना है राइट अ हॉरर स्टोरी टॉपिक इन हिंदी। यहाँ पर आपको लिखना है राइट अ हॉरर स्टोरी टॉपिक इन हिंदी, ठीक है। यहाँ पर आपको एंटरप्राइज कर देना है। जैसे आप एंटरप्राइज करें, यहाँ पर आपके बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे और किस टॉपिक पे आपको कहानी लिखना है वो भी लिख सकते हो। पुरानी किताबों का रहस्य, एक बड़े पुराने घर का रहस्य, ठीक है। आप लोग देख सकते हो बहुत सारे आपको टॉपिक मिल चुके हैं। किसी भी टॉपिक पर आप स्टोरी लिखने के लिए बोल सकते हो चैट जीपीटी को। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ भूतिया अस्पताल, ठीक है। तो गाइस, मैं यहाँ पर लिखता हूँ राइट अ स्टोरी ऑन, ठीक है, आपको इसे कॉपी कर लेना है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, राइट अ स्टोरी ऑन भूतिया अस्पताल इन हिंदी, ठीक है, डन। तो गाइस, अभी आप लोग देख सकते हो चैट जीपीटी ने भूतिया अस्पताल के ऊपर एक स्टोरी लिखना स्टार्ट कर चुका है। एंड गाइस, आप लोग इस स्टोरी को टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट करके बहुत ही अच्छी स्टोरी बना सकते हो। तो दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक स्टोरी लिखा है इसने। तो गाइस, मैंने इस कहानी को पढ़ा बट इस कहानी को पढ़ने के बाद जरा भी मजा नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं चैट जीपीटी को वापस बोलता हूँ एक स्टोरी को जनरेट करने के लिए। रीराइट दिस हॉरर स्टोरी इन शॉर्ट, मैंने यहाँ पर लिखा रीराइट दिस हॉरर स्टोरी इन शॉर्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा क्रिएट अ सीनरी हॉरर स्टोरी इन हिंदी विथ सीन्स इमेज एंड वीडियो प्रॉम्प्ट्स, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर लिखे तो यहाँ पर बोलता है कि मैं इस टाइप की वीडियोस और इमेजेस को नहीं जनरेट कर पाती, बट हाँ, वो आपको इस टाइप के प्रॉम्प्ट्स को लिख कर दे सकती है। तो यहाँ पर एक स्टोरी जनरेट होगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इस स्टोरी का नाम है काली रातों में एक बंगले की कहानी, यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, गहरी रात का समय था और एक बंगला अकेला खड़ा था। तो कुछ इस तरह भाई स्टोरी बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो यहाँ पर इस स्टोरी को कॉपी कर सकते हो। एंड गाइस, अच्छी बात तो ये है, यहाँ पर आपको चैट जीपीटी ने बता दिया है कि कौन सी तस्वीर आपको यूज़ करनी है। जैसे कि पहले पैराग्राफ के लिए आपको इस टाइप की इमेजेस को जनरेट करवाना है, जैसे कि अंधेरे कमरे की तस्वीर। यहाँ पर आपको अंधेरे कमरे की तस्वीर लगाना है या फिर आप लोग वीडियो लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आपको भूतिया उपहार का इमेज चाहिए और यहाँ पर आपको भूतिया हवाएं का इमेज चाहिए। मतलब चैट जीपीटी में आपको बताया है कि किस तरह के आपको इमेजेस लगाना है और आपका स्टोरी भी यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो सिंपली से आपको इस पैराग्राफ को कॉपी कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ तो इस तरीके से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक नोट पैड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको इस पैराग्राफ को पेस्ट कर देना है। यहाँ से आपको अनवांटेड चीज़ें हटा देनी है, जैसे कि ये तस्वीर वाली आपको अलग कर देनी है सारी, कंट्रोल एक्स। यहाँ पर आपको इसे अलग करके रख देना है कुछ इस तरीके से। तो गाइस, अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारी स्टोरी रेडी हो चुकी है। सिंपली से आपको इस स्टोरी को कॉपी कर लेना है। एंड गाइस, ये स्टोरी बहुत ही सिंपल है। आप लोग चाहो तो चैट जीपीटी से बहुत बड़ी स्टोरी भी लिखवा सकते हो। जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप जो है एआई का यूज़ करके इस टाइप की हॉरर स्टोरी को क्रिएट कर सकते हो। सिंपली से आपको इसे कॉपी कर लेना है। देन यहाँ पर आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है 11 लैब्स। देन यहाँ पर आपको पहले वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये पहले वाला पैराग्राफ मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे, अगर आपने साइनअप नहीं किया तो वेबसाइट पर साइनअप कर लीजिए, क्योंकि जैसे आप साइनअप करेंगे आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे क्रेडिट आ जाएंगे, ठीक है। साइनअप करने में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सिंपली से आपको उस पैराग्राफ को कॉपी करना है।
कॉपी करने बाद यहाँ पर आपको 11 लाइन्स को ओपन करना है, देन यहाँ पर आपको इसे पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आपको एकदम भूतिया आवाज सेलेक्ट करना है ताकि हमारी जो स्टोरी है वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगे, ठीक है। तो गाइस भूतिया आवाज के लिए सबसे बेस्ट आवाज मैंने ये सिलेक्ट किया, ठीक है। मैंने चेक किया काफी सारी आवाज, तो मुझे ये वाला पसंद आया। तो सिंपली से आप लोग को चार्लेट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। For the people shall not perish. देखा आपने गाइस की आवाज कितनी ज्यादा रियलिस्टिक लग रही है, मतलब थोड़ा अगर इसके अंदर अच्छे से इफेक्ट ला दिया जाए तो ये पूरा गोस्ट वॉइस लगेगा, ठीक है। तो सिंपली से आपको ये वाला वॉइस को सिलेक्ट करना है। आप लोग चाहो तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, बट मुझे यहाँ पर भूतिया आवाज यही लगा तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। मतलब थोड़ा गोस्ट टाइप का आवाज लगा इसलिए मैंने इस वॉइस को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। देन यहाँ पर आपको जनरेट पे क्लिक कर देना है। तो गाइस हमारी जो यहाँ पर वॉइस है वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। चलिए मैं आपको फाइनल आउटपुट दिखाता हूँ कैसा है। गहरी रात का समय आया था और एक बंगला अकेला खड़ा था जिसके चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। तो गाइस देखा आपने कि ये वॉइस जो है हॉरर टाइप की है, तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पर आपको इसे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। सिंपली से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोडेबल अब आपको बहुत सारी इमेजेस और वीडियोस चाहिए, वो कहाँ से मिलेगी वो गाइस, इसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है मॉर्फ स्टूडियो AI, ठीक है। देन यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, इस वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ज्वाइन बीटा इन डिस्कॉर्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर ज्वाइन बीटा डिस्कॉर्ड पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका डिस्कॉर्ड सर्वर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको इनवाइट को एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इनवाइट को एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पर इनवाइट को एक्सेप्ट कर दिया है। अभी आप लोग देख सकते हो हमारे सामने एक सर्वर क्रिएट हो चुका है मॉर्फ स्टूडियो का। सिंपली से आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको वीडियो जनरेशन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो सिंपली से मैंने यहाँ पर वीडियो जनरेशन को सिलेक्ट कर लिया है। अब अगर आपको कोई भी वीडियो जैसे कि जनरेट करवाना है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आप लोग स्टोरी ओपन कीजिए यहाँ पर। गहरी रात का समय था, एक बंगला अकेला खड़ा था। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक इमेज चाहिए जो कि गहरी रात का इमेज है। सो सिंपली से आपको यहाँ पर डार्क नाइट ऑफ इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपली से फॉरवर्ड स्लैश देना है। देन यहाँ पर आपको जो भी टॉप का आपको वीडियो जनरेट करवाना है यहाँ पर आपको लिंक देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा डार्क लाइट ऑफ रोड, ठीक है। देन यहाँ पर आपको एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। अभी आप लोग देख सकते हैं जो वीडियो यहाँ पर जनरेट हो रहा है, जस्ट यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। एंड गाइस जितना आप अच्छी तरीके से प्रॉम्प्ट को एक्सप्लेन करोगे उसी टाइप का आपके यहाँ पर वीडियो जनरेट होगा, ठीक है। तो जितना अच्छा हो सके आप लोग यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखना। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है जिस भी टाइप का आपको वीडियो जनरेट करवाना है वो आपको परफेक्ट लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा डार्क राइट ऑफ रोड इन नाइट, ऐसा आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से लिखना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखते हो काफ़ी सारे लोग जनरेट भी कर रहे हैं यहाँ पर वीडियोज़ को, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी लोग प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं द फिश हाउस ऑफ टू चिल्ड्रन, तो आपको इस तरीके से पूरा एक्सप्लेन करना है। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो हमारे प्रॉम्प्ट के अनुसार हमारी जो वीडियो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। चलिए मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो गाइस देखा आपने कि हमारी वीडियो कुछ इस तरीके से लग रही है। अब आपको सिंपली से इसे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इस तरीके आपको दो या तीन इमेजेस को जनरेट करवा लेना है। देन यहाँ पर आपको वापस से स्टोरी को रीड करना है। जैसे कि गहरी रात का समय आया था और एक बंगला खड़ा था, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको एक नाइट बंगलो का इमेज चाहिए, तो सिंपली से कुछ नहीं करना गाइस, यहाँ पर आपको जाना है। देन यहाँ पर आपको लिखना है फॉरवर्ड स्लैश वीडियो, देन यहाँ पर आपको इसे सिलेक्ट करना है। देन प्रॉप में लिखना है आपको। तो गाइस मैंने यहाँ पर लिखा गोस्ट नाइट हाउस, ठीक है। मैंने इस तरीके से लिखा है। आप लोग भी प्रॉम्प्ट को जितना अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे उतना अच्छे आपके यहाँ पर वीडियो जनरेट होगी। देन यहाँ पर आपको एंटर प्रेस कर देना है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। वीडियो प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। तो इसी तरीके से आपको जो है स्टोरी के अकॉर्डिंग इस टाइप की इमेजेस को जनरेट करवाना है। अगर आपको इमेजेस नहीं मिलती है तो आप लोग अनदर वेबसाइट है जहाँ से आप लोग टेक्स्ट टू इमेज को जनरेट करवा सकते हैं, टेक्स्ट टू वीडियो भी जनरेट करवा सकते हैं। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो हमारे प्रॉम्प्ट के अनुसार हमारी जो वीडियो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। चलिए मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। अगर आपको इसे डाउनलोड करना है सिंपली से आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप लोग जो है डिफरेंट टाइप के यहाँ पर वीडियोस इमेजेस को जनरेट करवा सकते हो। अगर आपको इमेज जनरेट करवाना है देन यहाँ पर आपको लिखना है स्लैश इमेज, देन इसे सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पर आपको कोई भी इमेज रेफरेंस के लिए अपलोड कर सकते हो या फिर आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली इमेज सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो सारे इमेजेस और वीडियोस को जनरेट करवा लेना है। इसके बाद क्या करना है, ये सारे इमेजेस को जनरेट करने के बाद अब हमारा मेन प्रोसेस आता है एडिटिंग। जी हाँ गाइस, अभी स्टोरी को हमें एडिटिंग के हिसाब से बहुत ही अच्छा बनाना है। सिंपली से यहाँ पर आपको कोई भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर कैपकट को ओपन कर रहा हूँ एंड यहाँ पर आपको अपने सारी ऑडियो एंड जो भी आपने इमेजेस और वीडियोस को जनरेट किए वो यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। तो मैं सारे वीडियो और ऑडियो को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने में अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऑडियो को टाइमलाइन में आना है। देन आपको ऑडियो के हिसाब से उस इमेज को सेट कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो भी स्टोरी में बोला गया उसी हिसाब से यहाँ पर आपको वीडियोस को अटैच करना है। गहरी रात का समय आया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक गहरी रात का इमेज लगाना है, जैसे कि ये वाला, ठीक है। मैं यहाँ पर सेंड कर लेता हूँ इसे।
देन प्ले करना है। गहरी रात का समय आया था, ठीक है। अगर आपको इसका वाटरमार्क रिमूव करना है, सिंपली से आपको इस वीडियो को जूम कर देना कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर आपका जो वाटरमार्क है यहाँ पर हट जाएगा, ठीक है। गहरी रात का समय आया था और एक बंगला, ठीक है, यहाँ भी आप लोग देख सकते हो गहरी रात का समय था, इतना आपको लगाना है। देन यहाँ पर जहाँ पर बोला है बंगला, तो यहाँ पर आपको बंगले का इमेज लगा देना है कुछ इस तरीके से। इसे भी आपको जूम करके इसका वाटरमार्क रिमूव कर देना है। देन यहाँ पर आपको एक और बंगले का इमेज जनरेट करवाना था, ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इमेज जनरेट करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट, तो गाइस यहाँ पर रात का सीन दिखाने के लिए मैं यहाँ पर प्लम इस इफेक्ट का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप लोग कैपकट यूज़ कर रहे हो वीडियो एडिटिंग के लिए, तो आप लोग इस प्लम इफेक्ट का यूज़ कर सकते हो अपनी वीडियो को हॉरर बनाने के लिए, ठीक है। तो मैंने इसे सिलेक्ट किया, अभी आप लोग इसे देखना। गहरी रात का समय आया था और एक बंगला अकेला खड़ा था जिसके चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। ठीक है, सभी आप लोग देखते हो यहाँ पर हॉरर स्टोरी काफ़ी अमेजिंग लग रही है। अभी एक और चीज़ है, यहाँ पर आपको बैकग्राउंड टोन लगाना तो आप लोग लगा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक हॉरर टोन लगा देता हूँ। देन यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है हॉरर, एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे हॉरर म्यूजिक मिल जाएंगे जिसे आप बैकग्राउंड में लगा के वीडियो को और भी अच्छा बना सकते हो। तो गाइस मैं यहाँ पर टीमा हॉरर 2 इस बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको इसका साउंड कम कर देना है। अभी गहरी रात का समय आया था और एक बंगला अकेला खड़ा था जिसके चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। तो गाइस देखा आपने स्टोरी हमारी कितनी अमेजिंग लग रही है। इस तरीके से यहाँ पर आपको सारे इमेजेस को ऐड कर देना है। तो गाइस पहले आप लोग इसे सुनिए। जैसे किसी अत्याचारित आत्मा की चीखे, जैसे कि किसी अत्याचारिक आत्मा की चीखे हो। अगर आपको चीखे की आवाज चाहिए तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी मिल जाएगी। यहाँ पर आपने हॉरर ऑलरेडी सर्च किया था, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सेकंड वाला वॉइस यूज करना है। तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा है गाइस, मैं खुद बना रहा हूँ तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है मुझे, क्योंकि ये वीडियो मैं रात को एडिट कर रहा हूँ गाइस, 11-12 बज रहे हैं भाई, बहुत डर लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं गाइस, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखें। एंड गाइस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, अभी लाइक कर दो, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाला है। तो गाइस एग्जांपल के लिए मैंने इस तरीके से यहाँ पर छोटी सी वीडियो एडिट की, आप लोग जाओ तो पूरी वीडियो एडिट कर सकते हो। एंड गाइस एडिटिंग में कोई हार्ड वर्क नहीं है, बस सिंपल है, बस आपको जो है ऑडियो को सुनना है, उसी हिसाब से यहाँ पर इमेजेस और वीडियोस को अटैच करना है, ठीक है। अगर आप डाउनी वीडियोस बना रहे हो तो यहाँ पर आप लोग नाइट का इफेक्ट दे सकते हो। एंड गाइस आप लोग देख सकते हो एडिटिंग कितना सिंपल है यहाँ पर, ठीक है। तो गाइस मैंने यहाँ पर एक हॉरर बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दिया है। देन यहाँ पर हमारे जो भी वॉइस है यहाँ पर मैंने लगा दिया है। एंड यहाँ पर कुछ भूतों की आवाज़ मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। एंड यहाँ पर हमारी इमेजेस और वीडियोस, ठीक है। एंड इससे आप लोग चाहो तो जूम इन जूम आउट इफेक्ट दे सकते हो, तो मैंने यहाँ पर दे दिया ऑलरेडी, ठीक है गाइस। एंड गाइस फाइनली अब मैं इस वीडियो को एक्सपोर्ट करने जा रहा हूँ। अब मैं आपको इसे एक्सपोर्ट करके फाइनल आउटपुट दिखाता हूँ। गहरी रात का समय आया था और एक बंगला अकेला खड़ा था जिसके चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। वहाँ की चपेट में खोए हुए एक साया ने वहाँ के दीवारों को अपने चुपके से गूंथ लिया था। एक कमरा जिसमें एक पुरानी कांपती लाल बत्ती सिर्फ हवा को उड़ा रही थी, वहाँ से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे किसी अत्याचारित आत्मा की चीखें। बंगले के एक पुराने पुस्तकालय में एक पुरानी किताब जिसमें एक खौफनाक कहानी छिपी हुई थी। तो गाइस देखा आपने कि किस तरीके से सामने जो है एआई की मदद से हॉरर स्टोरी को क्रिएट किया। एंड गाइस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस वीडियो कैसे लगे, आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। एंड गाइस आप लोग देख सकते हो वीडियो को बनाने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगी है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर आपको आईडी मेरी स्क्रीन पर दिख रही होगी, आप लोग जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।